आप सभी का हमारे चैनल के एसएस भारतीय संगीत में स्वागत है और मैं क्षमा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको ढेर सारा नमस्कार, ढेर सारा प्यार। और हमेशा की तरह आप सभी के बीच बहुत ही प्यारा सा गाना लेकर के आई हूँ। उस गाने के बोल हैं, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जिसे गाया था हमारे लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार जी। और फिल्म थी ब्लैकमेल और ये फिल्म आई थी 1973 में। और इस गाने का जो म्यूजिक दिया था लेजेंडरी कल्याण जी आनंद जी ने, और ये गीत एवरग्रीन बन गया जिसे हम आज भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस गीत का अगर म्यूजिक सुने तो बहुत ही आनंद आ जाता है। तो आज मैं आप सभी के बीच इस गीत को हारमोनियम हो चाहे कीबोर्ड हो, जो मैं नोटेशन से सिखाऊंगी, आप उसको कीबोर्ड पे भी प्ले कर सकते हैं और उसको हारमोनियम पे भी प्ले कर सकते हैं। इस पोस्ट में इस गाने में म्यूजिक पोर्शन और इस गाने का स्थाई हम लेकर के चलेंगे, और नेक्स्ट पार्ट जो इसका टू पार्ट आएगा उस पार्ट में इसका म्यूजिक और अंतरा लेकर के चलेंगे। ठीक है, इस गाने में दो अंतरे हैं, हम एक अंतरा लेकर चलेंगे। जी शार्प इस गाने का ओरिजिनल स्केल है, लेकिन हम इसको एफ शार्प से गाएंगे क्योंकि जी स्केल से अगर गाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा बिगनर्स के लिए, तो हम इसको एफ शार्प से गाएंगे। एफ शार्प कौन सा स्केल होता है वो मैंने आपको बताया दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार नोटेशन जब बताऊंगी तो उसमें हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं इस गाने के ट्यूटोरियल को। तो जैसे कि मैंने बताया हम इसको एफ शार्प से गाएंगे और एफ शार्प हमारा हो गया ये, यानी कि हम इसको सा मानेंगे। तो इसको सा मानेंगे तो सरगम कैसे बनेगी सबसे पहले देख लीजिए, और ओरिजिनल स्केल इसका है ये जी शार्प। ठीक है, तो हम इसको बजाएंगे एफ शार्प से, तो एफ शार्प से सरगम कैसे बनी हमारी, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये गाना यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, ऐसे उतरते हुए सा नी धा पा मा गा रे सा, मंद सप्तक का नी, मंद सप्तक का धा और मंद सप्तक का पा। तो मंद सप्तक में तीन स्वरों का इस्तेमाल होगा, नी धा पा। ठीक है, तो सीरीज क्या बनी, पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सीरीज आपकी बनी। और इन्हीं सिर्फ इन्हीं की से आपका ये पूरा गाना निकल जाएगा, चाहे उसकी स्थाई हो, अंतरा हो या फिर उसका म्यूजिक पार्ट हो। तो सबसे पहले इस गाने में एक म्यूजिक पार्ट आता है जिसमें आपको नोटेशन में दिख रहा होगा, दूसरा ठीक है। तो अब हम स्वर के साथ इसको गाएंगे, आराम आराम से देख लीजिए क्योंकि स्थाई और म्यूजिक पोर्शन ही करने वाले हैं इस पोस्ट में। सा पा मा गा रे मा गा, स्लो स्लो चलेगा स्टार्टिंग में, रे मा गा रे सा नी धनी सा, कंप्लीट। एक बार और देख लीजिए, सा पा मा गा रे मा गा, दूसरा देख लीजिए, रे मा गा रे सा, गिटार का पोर्शन आएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए, तो गिटार का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा फास्ट चलता है, कैसे, म्यूजिक बजता है, इसका स्वर देखिए, नोटेशन सामने लिखा हुआ है, अकॉर्डियन पार्ट है, सा का पा गा 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 धनी सा। अब आप देखिए गा गा रे का कर्ण लगाया हल्का सा,
ठीक है, रे को छूते हुए आपको गा पे जाना है, गा गा धनी सा। फिर इसी को सेम टू सेम आपको बजाना है हाई नोट पे, यानी कि आपका हाई नोट का सा ये है, ठीक है। तो सेम यही की जो आपने बजाई है, यही की बजेगी आपकी, लेकिन हाई नोट पे, सा गा पा गा गा धनी सा, सेम टू सेम यहाँ पे बजेगा फिर, लेकिन इसको हम डबल डबल बार बजाएंगे। कैसे? सा 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 गा 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 पा 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 गा 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 धनी सा। फिर सेम टू सेम हमें फिर वापस इसी पे आ जाना है, सा 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 गा 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 पा 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 गा 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 धनी सा। सिंपल। उसके बाद फिर आपका गाना शुरू हो जाएगा। गाने की पहली लाइन का पहला स्वर धा से शुरू होगा, मंद सप्तक के धा से शुरू होगा, ठीक है। तो जैसे पल पल दिल के पास, तो पहली लाइन क्या हुई, ध मंद सप्तक का धा, मंद सप्तक का नी, पल पल धनी सा गा रे रहती हो, धा धनी नी सा सा सा, धा धनी नी सा सा सा। तो दोनों लाइन कैसे हुई, धनी सा करे रे रे, धा धनी नी सा सा सा। नेक्स्ट लाइन आती है, जीवन मीठी प्यास, उसके लिए देखो, जीवन मीठी प्यास, ये कहती हो रे रे गा मा गा, ये कहती हो रे रे गा मा गा। फिर नॉर्मल पल कंप्लीट।